में मौजूद हूँ रामपुर परोड़ी में, और ये वही शख्स है जिन्होंने डुमरा सीओ को पैसे लेते निगरानी टीम के द्वारा अरेस्ट करवाए थे। आज ये उसी स्थान पर पहुंचे हैं जहां अतिक्रमण था पहले, और उस अतिक्रमण को तोड़ करके जो बच्चे के पढ़ने वाले आंगनबाड़ी केंद्र है उसको अतिक्रमण किया गया है, और ये उसी जगह है। क्या कहना है आपका? मेरा कहना यही है जो एक राम भरोस पासवान जो अतिक्रमणकारी था, जिसको 18/6/2023 को वहाँ से अतिक्रमण स्थल से मुक्त कराया गया, फोर्स के कलेक्टर साहब जो भी वर्तमान है उनके आदेश के अनुसार ये आदमी उसमें से हटा, और यहाँ पर जबकि इसको ऑलरेडी अपना पक्का का मकान है, उसके पीछे इसकी केवाला जमीन है, और इसने जबरदस्ती फिर ये आंगनबाड़ी केंद्र है, ये आंगनबाड़ी केंद्र है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, दिखाइए, देखिए देखिए यहाँ बच्चे बैठा हुए हैं भोजन के लिए, और ये आंगनबाड़ी सहायिका सेविका दोनों का सहमति से इसने भैंस को बढ़वा दिया कि मैं भी अनुसूचित, नहीं आप भी अनुसूचित, ये भी अनुसूचित, और सब मिल करके जो हम अनुसूचित हैं इसका समर्थन करो, इसको बढ़वाओ, और इसमें भैंस बनवाता है बच्चों का पढ़ाई का, और इस जगह नर्क बनाया हुआ है, एक तरफ भैंसी भी बनाता है बच्चे से, बच्चे के पढ़ाई में जो है सो इस जगह गंदगी फैलाया हुआ है। और आप लोग बनवाते नहीं? जी नहीं भैंसी आप लोग नहीं बनवाते? जी नहीं। कितना दिन बोले हैं भैंस इसमें? नहीं बताइए जब अंदर ये कचहरी पुतो हराम भरोस पासवान तो बनता है उसका नौकरी करती है जी, यहाँ अगर अंदर पढ़ाती है गेट पर भैंस बनाता है, भैंस बनाता है तो टाइम से पहले हटा देते हैं, इन लोग का बोलते पढ़ाता है तो उन लोग के बोलते हैं तो छात्र अंदर कंप्लेन किए हैं, अगर ये गेट पर भैंस बनाया था आपने कंप्लेन किए हैं? कंप्लेन ठीक है, आपसे बोले आपने कंप्लेन किए हैं? आप अंदर अंदर बच्चों को पढ़ाती है, गेट पर भैंस बनाता है कंप्लेन? ना जब आते हैं ना सेंटर चलाने तो भैंस का बाहर निकलवा देते हैं। इसका मतलब है कि ये रात में भैंस का तबेला है, दिन में बच्चे का तबेला है, बाहर रहता है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ भैंस बना जाता है, दिन में जब बारिश आती है तो भैंस का तबेला बना हुआ है कि आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है? और जवाब दीजिए जी। ना यहाँ तो पंचायत भवन है, हम लोग तो हम लोगों को तो बोलने नहीं देता है कि हाँ पंचायत भवन है। आप कंप्लेन किए हैं? सुनिए, बगल में यहाँ से महादूर से 2.5 किलोमीटर के दूरी पर डुमरा है जहाँ आप कंप्लेन कर सकती हैं। आप कहीं कंप्लेन किए हैं कि जहाँ हम अंदर आंगनबाड़ी केंद्र चलता है बाहर भैंस बनाता है? जी हम ऑफिस में जाकर के आवेदन दिए हैं। कि दिए हैं? क्या है आवेदन? सेंटर मतलब चलाने में हमको कठिनाई। आवेदन क्या हमको दिखाइए? आवेदन दिखाइए क्या भैया? आप ही बताइए, यहाँ भैंस बनना सही है? नहीं एकदम बिल्कुल गलत है, इसमें भूसा भी रखता था, भूसा भी रखता था, भैंस नहीं बांध गई तो भूसा भी दूध पहले भूसा होता है। अंदर बच्चा का आंगनबाड़ी केंद्र है, बाहर गेट पर भैंस बनाता है? नहीं गलत बात है, बहुत नहीं है। नहीं हम लोग इसको मतलब बहुत दफा मतलब बोले भी है ना कि मतलब यहाँ पर भैंस मतलब मत मानिए, मत मानिए यहाँ पर मतलब भैंस मत मानिए, यहाँ पर भूसा लगे, यहाँ पर जो है मतलब की आंगनबाड़ी मतलब केंद्र है ना, ये लोग बोले क्या कि हमको नहीं मानता है क्या? लेकिन मतलब हम लोग जो है मतलब क्या करें इसमें? इनका बात इनका बात वो लोग नहीं मानते हैं? नहीं मतलब नहीं मानते हैं क्या? इनसे बोल करो है? नहीं तो बोले हुए थे तो बोली क्या कि मतलब वहाँ पर मतलब जो सार्वजनिक स्थल है ना, इसके वजह से 45 मतलब का हो रहा है, अरे हमको मैडम मैडम यहाँ पर से जो हमको मतलब परेशानी हो रहा है, यहाँ पर मतलब बहुत सारा मतलब हमको लोगों को मतलब परेशानी हो रहा है, तो बोली मैडम क्या कि मतलब आपको वहाँ पर परेशानी हो रहा है तो मतलब उसको बोलिए मतलब हटाने के लिए, हमको मतलब मौसी को मतलब इनको मतलब बोले भी हटाने के लिए, मतलब आज मतलब 10-12 दिन से मतलब बोल रहे हैं हटाने के लिए। यहाँ देखिए आंगनबाड़ी केंद्र इसी जगह इधर भैंस बढ़ाता है, अंदर बच्चा पढ़ता है, यहाँ देखिए कुट्टी भूसा जंगल, ये बच्चा बताइए कि बच्चे के पढ़ने का स्कूल है, बच्चे के पढ़ने का स्थान है या भैंस का तबेला है? भैंस बांधाता है, कुट्टी बताता है, बरामदा में, बरामदा में भैंस है, उत्तर साइड में अराउंड में बरामदा पर भैंस है, भैंस बांधने का जगह है, ये सारी साफ गंदगी देखिए, ये भैंस बांधने का प्रधान है, आंगनबाड़ी केंद्र है, और यहाँ देखिए कि यहाँ पर भैंस बनाता है और यहाँ कुटी कटाता है, यहाँ पर हम आए हैं तो यहाँ पर भैंस का बच्चा बांधा हुआ था और वहाँ भैंस बांधा हुआ था, आप उसे हटा दिए? भैंस यहाँ है, भैंस यहाँ है, बच्चा यहाँ, यहाँ देखिए बगल में अभी आंगनबाड़ी के बगल में भैंस बनाया, पूरा का पूरा पूरा का पूरा अथी करने के बाद यहाँ पर सट जा गया, आप ही का भैंस रहता है, आप ही भैंस मानता है ना? हम ले जाएंगे
उसको बताइए ना। और कई लोग उजार दिया हुआ है, गौरी सिंह उजारे हुआ है, हाँ घर वो जार देला का बिहार सरकार में से 3-4 साल से केस चलता था। गौरी सिंह का बाबा दादा बसाए हुआ है बिहार सरकार जमीन, हम नहीं कमाया काम किए हैं। तो बात सुनिए, सरकारी जमीन में आपको कोई प्राइवेट आदमी बता रहा है जाइएगा। हाँ तो कमाया हुआ है, सरकार आपको दिया हुआ है, सरकार लिखित में दिया है कि बस नहीं जैसी बांधता था कुर्सी के रखना है, भूसा रखना है, गलत बात भी जाता है। जिसके पास जमीन है तो उसका जमीन देता है, जमीन ही नहीं उसको जमीन, दोनों तरफ जमीन है, धनी करता है हर जगह, कोई धनी नहीं। मेरी बात बताओ, आप जब धन की बात से बोलिएगा, धन से आपके पास दूसरा जगह जमीन है, आए जमीन ना, हम तो पूछे गरीब बस चल जाएगा यहाँ से, वही बस लपर हम रह गए। खाली करेंगे और कहीं करेंगे, नहीं जमीनों के पास है कितना जमीन है, सरकारी भवन ना, सरकारी भवन में 500 की चाहिए, बच्चा पढ़े तो रहते के ना, यहाँ यहाँ देखल यहाँ देखल
बात है उनको कहना चाहिए ताकि हम लोग गरीब के उजाग दिए। एक मिनट आंगनबाड़ी, एक मिनट घर पर था कि नहीं, फिर अजय से बताइए रोड पर घर बनाना जायज है? हम आपसे सिर्फ सवाल कर रहे हैं, बाबा से बोलिए। जायज तो नहीं, आंगनबाड़ी में भैंसी बनना जायज है? वो नहीं की गई, छोटा छोटा बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ेगा कि भैंसी बनाएगा? नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं है, ठीक है। और दूसरा कोई दूसरा सवाल नहीं, खाली इसका घर जाली करता बस, यही लोग बस, कोई दूसरा सवाल से पूछ। आपके पास सबका, आपके पास तीन जगह घरारी है, छत का मकान है, आप कह रहे हमारे पास कौन सा इलाका है? ना तो ये कागज पर काम निकाल के हमको देगा? कागज निकाल आपके पास है या नहीं है इसे हमको बताइए। आपके घर में छोटा बच्चा है? आपके घर में छोटा बच्चा है? वो वहाँ आंगनबाड़ी में पढ़ता है, तो बताइए कि आपने बच्चा को भैंसी में क्या गिनती करते हैं? आपका बच्चा भैंसी के बराबर है? 10 दिन आपको 10 दिन ये क्या नियम है कि आपको 10 दिन आंगनबाड़ी में छोटा हुआ जरा ना घर द्वार कुर्सी पर बैठने के लिए बैठने के दुष्टा कुर्सी पर नहीं बैठे तो सीओ साहब आया हुआ था तो जोड़ी दिन कहा जे सर देखिए जे साला कुर्सी पर बैठा रहता है हम लोग इसको अगर जाते हैं तो ये उठता नहीं है कुर्सी पर, वो भी हंस कर आ गए। अमीन साहब आए हुए थे तो वो भी कहा जे अमीन साहब देखिए साला कैसा है जे कुर्सी पर बैठा दुष्टा कुमार आते तो उठता नहीं है, उठता नहीं है कुर्सी पर, यही कहानी है, दूसर कोई बात नहीं है। आप आंगनबाड़ी खाली कर दीजिएगा? हाँ एकदम, आज के बाद नहीं बांधिएगा? ना आज के बाद नहीं। क्या आप उसको मना किए हुए थे यहाँ भैंसी बांधने के लिए? जी हाँ, मालिक से कहा थी जाके उसको रोको आंगनबाड़ी के, हमारा हम गली पर तो न कहा थी से 10 दिन रहे, 2 दिन रहे, से हम अभी न हटा घर वाला कहे हम 8 दिन में हटा दे, कन्या कहे कि रह दू 1 महीना घर में मिलेगा तो घर बना तो हम हटा दे, तो हम सब चुप बैठ गए। आप चुप बैठ गए? बच्चा को पुल में आंगनबाड़ी हमारे में कौन गलती है? आपकी गलती नहीं है, आपको बोला 1 महीना रहने दीजिए तो आप नहीं बोले कि आंगनबाड़ी में आपको भैंसी मजबूरी से समाज में देखा है, मजबूरी दरवाजे में बांधते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में यहाँ पर जो परेशानी जो हमको मतलब झेलना पड़ता है ना, अब इसके वजह से ये सामाजिक तौर के मतलब हिसाब से मतलब कि हम लोग इनको बोले कि यहाँ पर जो है मतलब इसे आप जो मतलब भूसा जो मतलब रखे हैं है ना, और जब अतिक्रमण जब मुक्त जब जब हुआ है ना, तो बोला कि हमको मतलब रखने के लिए कहीं कोई अस्थायी अभी जगह नहीं है, है ना, कि हम मतलब कि हम तो ये भी नहीं देखे कि ये मतलब यहाँ पर मतलब भूसा भी मतलब रख दिया हमको 2-3 दिन के बाद, तब हमको मतलब 2 दिन के बाद हमको मतलब पता लगा कि यहाँ पर मतलब भूसा रखा हुआ है, तो इनको मतलब इसे बोले कि मतलब भूसा मतलब यहाँ पर था, यहाँ पर हमारा आंगनबाड़ी केंद्र चलता है, तो बोले क्या कि हमारा मतलब घर रहे हुए के लिए ना है ना, तो ना तो मतलब सरपास मतलब इस मतलब इस घर मतलब का मतलब एडजस्ट हम कर ली थी, एक बाद मतलब कि हमू मतलब गरीब आदमी नहीं मतलब कि हमारा मतलब भूसा जो है वहाँ पर हम हटा लेंगे, हम तो 2-3 दिन 2-4 दिन के बाद जो है 3-4 दिन के बाद मतलब भूसा ही मतलब कि खाली कर लिए है ना,
तो रात मतलब मेघ बारिश शुरू जो हो जाता है तो दिन में तो मतलब यहाँ पर तो भैंसी मतलब नहीं बन जाता है ना, दिन में मतलब भैंसी नहीं बन जाता, रात के टाइम में जो है भैंसी कब मतलब बांध देते तो हम लोग देखने नहीं आते थे, घर पर आते थे तो उसी रात के टाइम में मतलब भैंसी बांध जाता। और असोरा में जो मतलब जैसे बारिश की वजह से मतलब जैसे भैंसी मतलब हम लोग मतलब नहीं रखने देते थे है ना, तो बाहर में मतलब जैसे बांधता था वो अपना मतलब, बस इतना ही बात है और दूसरा कोई बात नहीं है। घर तो मजबूरी में बने घर में बने घर बना ले बेर हो तो घर बना लेते घर में मैंने धनिक मनिक हो के सब बीघा जो कमिया गरीब छोड़ा कर दी गरीब मर जाते।